चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उन्होंने इसलिए मांगी कि जनता के बीच में उन्होंने जीतने बाद नहीं गया। का जो कार्यालय है जहां पर कि त्रिदेव सम्मेलन हुआ था और जहां वर्तमान विधायक भूपेश चौबे ने उठक बैठक लगाई थी, कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी थी। आइए हम बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। जी, उठक बैठक लगाई थी विधायक जी ने, किस तरह की नाराजगी है आप लोगों में और क्या नाराजगी दूर करना चाहते थे? नाराजगी हम कार्यकर्ताओं में जो था, समय अभाव था, कोरोना काल था, उसके वजह से हुआ कि समय विधायक जी को नहीं मिल पाया और उसी के कारण हम लोग जानना चाह रहे थे कि समय अभाव हम कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिए। तो चूँकि हम लोग बात नहीं समझ पाए कोरोना काल की वजह से, मगर सच्चाई यह थी कोरोना काल के ही वजह से वह समय नहीं दे पाए और पूरे कार्यकर्ताओं में जो 420 बूथ है उस पर तन मन धन से सभी कार्यकर्ता भाजपा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु पासवान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र कुमार केजरीवाल है। तो इस पर क्या कहना है आपका? उठक बैठक किया, माफ़ी मांगी, तो क्या उनके मन में था? क्या वास्तव में आप लोग नाराज़ थे या नाराज़ हैं या दूर से हो चुके नाराज़? उन्होंने ये किया कि जनता नाराज़ थी, जनता से उन्होंने माफ़ी मांगा कि जो गलती हो गई 5 साल पहले, ये अब दोबारी गलती तुम्हारी दोबारा गलती नहीं होगा। क्या क्या गलती, क्या नाराजगी थी, क्या क्यों माफी? उन्होंने इसलिए मांगी कि जनता के बीच में उन्होंने जीतने बाद नहीं गया। जनता के बीच में जाना चाहिए ना, जनता का काम करना चाहिए ना, जनता इसलिए नाराज। क्या वो काम नहीं किए? काम नहीं किए थे तब ना। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार केजरीवाल। मैं अरविंद श्रीवास्तव। मैं आर्यन श्रीवास्तव, विकास नगर। तो क्या कहना है इस बारे में? कहना यही है सर कि देखिए, यहाँ पर पार्टी की बात है, ये हर हालत में मोदी और जोगी जो इंटरनेशनल स्तर पर कार्य करते हैं, हम उनको देखना है। ये लोकलिटी में ये तो हम सबके बीच में समाज के स्तर पर रहते हैं, ये तो लगा रहता है, इससे कोई नाराजगी नहीं कही जाएगी। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हाई लेवल पर पार्टी के ऊपर लोग समझें, अगर भलाई चाहते हैं तो। अटल जी के और मोदी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले कार्यकर्ता से वो आज विधायक तक आए हैं और उनकी एक विचारधारा थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो उन्होंने इस विचारधारा में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने परिवार के लोगों से 5 साल की हुई किसी भी भूल चूक के लिए पूर्ण रूप से माफ़ी मांगा और आने वाले कार्य में 100% अपना देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। और यहाँ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बताती है कि कार्यकर्ताओं में कितनी नाराजगी थी या कितनी खुशी थी, क्योंकि ये जगह में इतनी भरी पड़ी थी कि यहाँ पे किसी के लिए कोई जगह नहीं बचा था खड़ा होने को। तो कार्यकर्ता खुद यहाँ उपस्थित होकर बताए कि वो किनसे कितना नाराज है। वो नाराज़ नहीं है, वो उनसे उतना पार्टी के लिए समर्पित हैं कि वो कार्य करने में और बीजेपी के लिए आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पांडे। तो क्या किस तरह से देखते हैं जो जिस तरह से उन्होंने उठक बैठक की और माफ़ी मांगी, तो इससे क्या लगता है आपको कि उनको किस तरह की? हम लोगों को ये समझ में आया कि अगली गलती या पीछे की गलती, कोई गलती की हो सकता है, उसी को माफ़ी मांग रहे हों कार्यकर्ताओं के बीच में। किसी को बैठने की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन सब लोग खड़े ही थे, लेकिन हम लोगों को यही महसूस हुआ कि आगे पीछे की गलती जो होगी उसको माफ़ी मांग रहे हैं, इसलिए हम लोगों उनके से खिलाफ नहीं। अब मतलब सब कुछ, हाँ सब सही है, सब सही है, सब सही। क्या नाम है आपका? जी अंशु तिवारी। इस बारे में आपका क्या क्या सोचते हैं? आप भी कार्यकर्ता हैं क्या? जी बिल्कुल, इसीलिए माफ़ी मांगना था कि कोई उनसे गलती हुई या कार्यकर्ता नाराज, ऐसा क्या स्थिति है? ऐसा विधायक जी को अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि उन्होंने अगर समय किसी को न देकर अपने कार्यकर्ताओं को या फिर जो कार्यक्रम था त्रिदेव कार्यक्रम, अपने मंडल अध्यक्ष हुए, मंडल के लोग हुए, बूथ के लोग हुए, उन लोगों की उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य थी और उन्होंने यहाँ पर आकर ये चीज़ को साबित किया है। और विधायक जी का ये कान पकड़कर प्रदर्शन करना एक सराहनीय कार्य है, ऐसा मैंने आज तक किसी भी पिछले विधायक को नहीं देखा है। और अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उन्होंने अपने परिवार से, अपने भाजपा परिवार से, अपने कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से माफ़ी मांगी है। ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं या जो भी उनको महसूस हुआ उन्होंने इस पर कार्य किया है और विधायक जी ने अपनी भूल चूक को स्वीकार किया है अपने कार्यकर्ताओं के सामने। तो ये थे
भाजपा कार्यकर्ता, उनका कहना है कि अब जो भी हो गया वो एक बीती हुई कल की बात है, अब हम लोग सब लोग नए तरीके से, नए उत्साह से, जोश से जो है उनको वापस चुनाव जिताएंगे और लखनऊ विधानसभा भेजेंगे। विदुशेखर मिश्रा, सोनभद्र, यूपी तक।